गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए रुक के इंट्रो शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज है नया दिन, करते हैं नई शुरुआत। और अभी जा रहा हूँ, डांडिया का शो है, ठीक है, और उदय भाई भी है उदय भाई के साथ। सो अभी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ और आपको मिलता हूँ और उदय भाई से भी मुलाकात कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक देखते रहो और सॉरी फॉर ब्रेक, बट घर पे ही था सो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, उसकी वजह से कुछ अपलोड नहीं किया। पर आज वैसे बाहर जा रहा हूँ सो आज करता हूँ शूट और आपको मिलता हूँ। हेलो उदय भाई। सो अभी यहाँ पे पहुँच गए, मॉल है एक वहाँ पे टिप टॉप प्लाजा करके, ठीक है। सो अभी जाते हैं ऊपर और वहाँ का बताता हूँ आपको कौन कौन है और कैसा है। निकलो और कुछ बोलो। हाँ हेलो फ्रेंड। सो ये हमारे प्यारे उदय भाई है। hey, बढ़िया हो। चाय पी लो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। चाय पी। नहीं भाई, डिनर का टाइम हो गया, खाना खा लो फ्रेंड। चलो अभी लिफ्ट आएगी और हम लोग जा रहे हैं शो एंड करके। ये टिप टॉप प्लाजा थाने में प्रोग्राम था, उदय भाई हमारे साथ में, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा गाया किन्नर भाई ने। थैंक यू थैंक यू। और आ गई हमारे लिए। अरे आ गई लिफ्ट, ठीक है लिफ्ट आ गई। सो अभी जाते हैं। हाँ भाई, नहीं बंद हो रही है भाई, अपन जीरो में ही है। जीरो में ही है। अभी जा रहे हैं रिटर्न घर पे और ये बम्प ने मेरी बाइक हिला दी, पर कोई नहीं भैया, सह लेंगे थोड़ा। और मौसम ऐसा हो गया है ना कि गाने ही अचानक से याद आ रहे हैं, और एक गाना मैं कब से हम कर रहा था, सोचा आप लोगों को सुनाऊं। सो मने सोजा करू पण हूँ तने पाम्या करू तू लईने आवे लागणी नो मेळो रे साथ तू लांगी मजलो सार तू मारी गजल नो तू अधूरी वार्ता नो।
लठड़िया सजा छे, दर्दोनी दवा छे, तारो विरह पण लागे वालो रे। वालम आवो ने आवो ने वालम आवो ने आओ ने, माड़ी छे लगनी बवाई के केवी अदमी सगाई, होता दया दया दा दया पर जैसे कि अभी सिग्नल रेड है, सो रुकने का भागने का बिल्कुल ना है, ठीक है। रूल्स फॉलो करो, हेलमेट पहनते रहो, भले पुलिस वाले हो या ना हो, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है, ठीक है। मैं मतलब मेरे घर से कुछ काम के लिए भी बाहर जाता हूँ, सो भी हेलमेट पहनता हूँ। सो देखो अभी ग्रीन हो गया, अभी चलाओ। और ज़्यादा फास्ट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। लेट हो रहा है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाने का, भगाने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। थ्रॉटल अपने हाथ में, बात सही है, बट उसको कैसे हैंडल करना है वो इम्पोर्टेंट है, चलाने से भी ज़्यादा। और ये हमारे यहाँ का फेमस मराठा मंदिर, जहाँ BDLJ 26 ईयर्स से राज कर रही है मेटनी शो में। मुझे भी एक बार, कभी ना कभी तो एक बार देखना ही है DDLJ, वो भी मराठा मंदिर में मेटनी शो, इच्छा है, ठीक है। कोई नहीं, चलो अभी यहाँ पे राइट टर्न तो है नहीं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बोलो। यहाँ से नहीं आने का, नहीं आने का, और यहाँ से ही आ जाता हूँ, क्या करेंगे बाबा। सह लेंगे थोड़ा अभी, क्या थोड़ा अभी कुछ जुगाड़ करके लेफ्ट जाके राइट मारना पड़ेगा ना, सीधे निकल जाएंगे और फिर नवजीवन से राइट लेंगे। तो कोई नहीं बाबा, देखते हैं, अभी अभी पहुंच के ही मिलता हूँ आपको। मैं जब वीडियो चालू करता हूँ तभी ऐसे आवाज़ें सुनने लगती है, सो जाने दो। अभी देखो मेरे पीछे है ना फालूदा, सो फालूदा लिया मैंने, 60 रुपीज़ का एक है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो को कि मैंने क्यों लिया। कभी आप मतलब बाहर जाओ ना, और घर पे मम्मी पापा रहते हैं, सो कभी भी एकदम छोटी सी चीज़ भी आप उनके लिए लाओगे ना, सो उनकी आँख में देखना, एक अलग ही खुशी मिलेगी, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है नहीं, वो तुमसे कुछ गुजराती में बोलूँ तो अपेक्षा रखता नहीं ये लोगों तुम्हारे थी। बट अगर तुम इमने क्यारे भी कहीं भी आपो सो ना, तो एक अलग प्रकार की खुशी मिले। अत्यारे तो लाइक अभी बोलूँ मैं तो बहुत लेट हो चुका है, वो लोग सो भी गए होंगे, बट अभी मैं उठा के उनको दूंगा, सो एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, पर वो एकदम छोटी छोटी खुशी है। सो मैंने खुद ये रखा है मेरे में, एक रूल बनाया मेरा कि अगर कहीं भी कभी भी बाहर जाऊँ मैं, तो छोटी से छोटी एक लॉलीपॉप या एक चॉकलेट भी लेके जाऊँ उनके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम तो कभी मांगते नहीं, और शायद आप लोगों को याद होता होगा तो बचपन में जो हम छोटे थे। बात कर रहा था कि बचपन में आप जब छोटे रहते हो, ठीक है, तो कभी भी मतलब आपके पेरेंट्स होते हैं वो घर से मतलब कुछ लाइक एक एग्जांपल दो, ऑफिस से मतलब कोई आ रहा है, ठीक है, तो बच्चे होते हम भाग के जाते, क्या लाए मेरे लिए, गुजराते बोले तो शू लाया पापा, शू लाया। सो अपने एक्सपेक्टेशन होती है, और वो लोग कभी भी कुछ भी लेके आते हैं। सो अभी हमारा टाइम है, ठीक है, सो ये थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, पर ये करोगे ना बहुत ही खुशी मिलेगी उनको। सो कभी भी मौका मिले तो ऐसा करो, और उनके फेस पे जो स्माइल आएगी ना, वो उनसे ज़्यादा खुशी कोई और हो ही नहीं सकती उनके फेस पे स्माइल देखने। तो ठीक है, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं अभी घर पे जाता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, उनका फ़ोन भी आएगा। ठीक है, अभी वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए जय सियाराम, जय माता जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद कल बाहर जाना है, सो अगर वो होता है तो वो बताता हूँ, 50% चांस है, चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सियाराम, जय माता जी।